हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विगोरासो एमजी टेबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विगोरासो एमजी टेबलेट का उपयोग हम कब करते हैं, क्यों करते हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों। तो गाइज, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके दोस्तों। तो गाइज, बात करते हैं बिना देरी लगाए हुए इस टेबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विगोरासो एमजी टेबलेट का नाम है दोस्तों। विगोरासो एमजी टेबलेट का उपयोग, इसको हम रेड टेबलेट के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सिलेनाफिल इसमें साल्ट होता है गाइज, 100 mg की टेबलेट होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर 4 टेबलेट आती है, ठीक है। जो लाल रंग की होती है उसके अंदर 4 टेबलेट आती है। इसका उपयोग हम कब करते हैं, जब हमारे शरीर में किसी प्रकार से जैसे नपुंसकता की दिक्कत आ जाती है, शीघ्र पतन की समस्या आ जाती है, तब इसका उपयोग हम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पाउडर कुछ नहीं करते तब इसका उपयोग हम करते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल खान पान के चक्कर में आधी से ज़्यादा जो मिलावटें आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो हम खान पान के चक्कर में हमारा शरीर कमज़ोर हो चुका है और हम जो पहले जैसी जो तंदुरुस्ती रहती थी शरीर, वो नहीं हो पाती। जी हाँ दोस्तों, हमारा शरीर काम नहीं करता, शरीर में सुस्तीपन रहता है, ढीलापन रहता है। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए दोस्तों विगोरासो एमजी टेबलेट का उपयोग हम करते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी रहे और हम पाटन को पुश कर सकें। जहाँ दोस्तों, नपुंसकता की दिक्कत दूर होती है इससे और शीघ्र पतन की समस्या दूर होती है। इसके अलावा हम पाटन को पुश करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। जहाँ दोस्तों, लंबा टाइम देने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं, कम से कम इसका असर दोस्तों 3 से 4 घंटे तक रहता है। इसको लेते ही रक्त प्रवाह तेज होता है। इसके अलावा दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी इसका उपयोग हम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब गाइज बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। जी हाँ दोस्तों, इस टेबलेट को लेने से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, थकान होना और इसके अलावा किसी प्रकार से हाथ पैरों में कंपन होना, इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। कई जैसी कोई भी समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे मिल सकते हैं और ये दवा आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है। बिना सलाह से दवा ना लें, आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर दवा मिल जाएगी। बात करते हैं गाइस, इसको कब लेना है, कैसे लेना है। तो गाइस, इस दवा को आप जैसे जब भी आप पार्टनर के साथ जाते हो उससे 1 घंटा पहले आप इस टेबलेट को ले सकते हैं। जहाँ दोस्तों, यानी जब भी आप बिस्तर पर जाते हो उससे पहले खाना खा के आप इस टेबलेट को ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। तो गाइस, इसको 16 साल से कम उम्र की जो व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, वो नहीं ले सकते दोस्तों। ये ओनली पुरुषों के लिए होती है, जो जवान लोग होते हैं उनके लिए होती है, जिसका शीघ्र पतन की समस्या होती है, नपुंसकता की दिक्कत होती है, वो इसको ले सकते हैं दोस्तों। तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और गाइस, आपको हमारी बताई हुई जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।